नमस्कार, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट विजर्स। जैसे कि सारा पेपर स्टॉक यहाँ पे आउट परफॉर्म कर रहे हैं एंड मल्टीपल पेपर स्टॉक को ऑलरेडी हम एनालिसिस कर चुके हैं एंड आज का जो स्टॉक है मालू पेपर मिल्स, इसमें एक बड़ा टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट देखने को मिला है एंड बहुत एक स्ट्रॉन्ग चार्ट सेटअप शो कर रहा है। देखिए, इसका फंडामेंटल उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन अगर आप टेक्निकल को फॉलो करेंगे तो एक मल्टी ईयर का कंसोलिडेशन रेंज को प्राइस ब्रेक कर रहा है। तो किस टाइप का प्राइस सेटअप शो कर रहा है एंड क्या प्राइस एक्शन बन सकता है, डिटेल्स में अब हम एनालिसिस करेंगे। उससे पहले, अगर अभी तक आप स्टॉक मार्केट विजय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज यूजल किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले या एनालिसिस करने से पहले आपको पता होना चाहिए उस स्टॉक का सेक्टर क्या है एंड इंडस्ट्री क्या है। अगर आप स्टॉक का सेक्टर देखेंगे, पेपर का एंड इंडस्ट्री है पेपर का। देखिए, जो स्टॉक का मार्केट कैप है अराउंड 160 करोड़ का, एक छोटा सा माइक्रो कैप कंपनी है। स्टॉक का पी अवेलेबल नहीं है बिकॉज कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रहा है, लेकिन अभी फर्स्ट टाइम लास्ट टू क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। रिजर्व कैश है नेगेटिव, जो कि रेड फ्लैग है। करंट प्राइस है 68 का एंड बुक वैल्यू 3.85, प्राइस टू बुक वैल्यू बन रहा है 17.6 का एंड प्रमोटर होल्डिंग यहां पे 70%, जो कि अबव 50% मार्क है एंड डेप इक्विटी बहुत ही हाई है, 19 का डेप इक्विटी, जो कि सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। इस टाइप का स्टॉक में आपको तो कभी भी फंडामेंटल बेसिस के ऊपर एंट्री नहीं करना चाहिए, लेकिन एजुकेशन पर्पज के लिए आप एक बार टेक्निकल चार्ट को देख सकते हैं। एक बार मैं अभी आपको क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस के ऊपर सेल्स एंड नेट प्रॉफिट दिखाता हूं। तो देखिए, सेल्स यहां पे ग्रो तो कर रहा है एंड प्रॉफिट जो है ना लास्ट टू क्वार्टर में यहां पे प्रॉफिटेबल हो गया है, क्योंकि प्रीवियसली लेके कंपनी यहां पे कंटीन्यूअसली लॉस डिक्लेयर कर रहा था, लेकिन जून 23 एंड सितंबर 23 दोनों में यहां पे कंपनी प्रॉफिट जनरेट किया है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर जाएंगे, प्रमोटर के पास माल है 70% एंड जो बैलेंस माल है यहां पे पब्लिक के पास 30%, अदर कोई बिग इन्वेस्टर यहां पे इन्वेस्टेड नहीं। अब हम चलते हैं चार्ट के ऊपर, देखते हैं कि किस टाइप का प्राइस सेटअप शो कर रहा है। जैसे कि आपके स्क्रीन के सामने देखिए चार्ट ओपन हुआ है मालू पेपर्स का, टाइम फ्रेम सिलेक्ट हुआ है वीकली, प्राइस देखिए यहां पे बड़ा टाइम फ्रेम में एक कॉप एंड हैंडल पैटर्न कंस्ट्रक्ट किया है एंड जो कॉप एंड हैंडल पैटर्न है ना अराउंड 15 इयर्स का। देखिए, प्राइस यहाँ पे टॉप बनाया था 2008 में, था ईयर 2008 एंड प्राइस देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया था एक कॉप एंड 2017 में जो पिक बना 5 इयर्स का यहाँ पे हो गया हैंडल। तो देखिए, 7 से 8 इयर्स का कॉप एंड 5 इयर्स का यहाँ पे हैंडल, यहाँ पे टेक्निकली बड़ा सा कॉप एंड हैंडल पैटर्न को प्राइस ब्रेकआउट कर दिया है। ब्रेकआउट करने का जो लेवल था ना यहाँ पे 48 के आसपास, जैसे कि अभी करंट प्राइस चल रहा है 68, इस लेवल के ऊपर बिल्कुल भी फ्रेश एंट्री मत कीजिएगा, क्योंकि रिस्क जो है बहुत ही वाइड बन रहा है। जिनके पास है नो डाउट होल्ड करना चाहे, इस स्टॉक का प्राइस और भी ऊपर जा सकता है, लेकिन आपको पैटर्न को आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टॉक में एंट्री करने से पहले। बड़ा टाइम फ्रेम का पैटर्न, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉप एंड हैंडल पैटर्न बना और जो हैंडल पैटर्न का जो यहाँ पे जो ब्लू लाइन जा रहा है वो था नेकलाइन। नेकलाइन को प्राइस देखिए ब्रेकआउट किया था नियरली 48 के आसपास, अगर एंट्री करना भी था ना इस 48 लेवल में एंट्री करना था। अभी करंट प्राइस चल रहा है 68, करंट प्राइस में एंट्री करेंगे तो रिस्क बहुत ही हाई है, क्योंकि देखिए जो स्टॉप लॉस बन रहा है बिलो 36, इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं ले सकते 50% का। अगर यहां से जा रहा है, जाने दीजिए, जिनके पास है उनको होल्ड करना है। अगर यहां पे रिस्क रिवॉर्ड को भी मार्केट का कंडीशन के हिसाब से स्टॉक का प्राइस पुल बैक कर लेता है 48-45 के आसपास, उसी केस में कंसीडर कर सकते हैं एंड प्रीवियस स्विंग लो एग्जिट पॉइंट बने, नहीं तो करंट प्राइस के ऊपर अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप यहां पे टारगेट मेजर करेंगे, क्योंकि प्राइस तो अभी लाइफ हाई के ऊपर चल रहा है, तो टारगेट के लिए 2007 का हाई और 2013 का लो, अगर यहां पे मैं फिबोनाची को प्लॉट करूंगा तो देखिए बहुत ही बड़ा मेजर टारगेट यहां पे बन रहा है, जो कि बन रहा है शॉर्ट टर्म का 115 एंड लॉन्ग टर्म का बन रहा है 294। जिनके पास है उनके लिए टारगेट है फ्रेश एंट्री करंट प्राइस के ऊपर हाई रिस्क से, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत वाइड यहाँ पे शो कर रहा है। अगर पुल बैक करेगा 48-50 के आसपास वो एक बेटर लेवल बन सकता है। अगर अब हम रैशियो चार्ट देखेंगे, रैशियो चार्ट भी यहाँ पे उसका मल्टी ईयर का ब्रेकआउट आ गया है। इसका मीनिंग है कि रैशियो चार्ट बोल रहा है आने वाले टाइम में अभी हमको आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। तो देखिए, ये हो गया मल्टी ईयर का रैशियो चार्ट, टॉप था 2007 में। उसके बाद जब भी देखिए इस ब्लू लाइन के आसपास प्राइस आ रहा था, प्राइस को मल्टीपल टाइम अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला था। फाइनल देखिए प्राइस यहां पे कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन के बाद देखिए यहां पे फाइनली ब्रेकआउट किया है। तो जिनके पास पुराना बाइंग है उनको होल्ड करना चाहिए, उनको बड़ा रिवॉर्ड मिल जाएगा, फ्रेश अपॉर्चुनिटी तभी मिलेगा अगर स्टॉक का प्राइस आइदर पुल बैक करके 48-45 के आसपास आ जाएगा, नहीं तो प्राइस को फिर से
जहां पे भी 2 से 3 मंथ्स का कंसोलिडेशन करेगा, माने स्टॉक का प्राइस यहां पे ऊपर जाने के बाद यहां पे कहां पे इस टाइप का कंसोलिडेशन करेगा। जब कंसोलिडेशन करके रेंज को ब्रेक करेगा यहां पे एंट्री करना है, नहीं तो पुल बैक का वेट कर सकते हैं क्योंकि करंट प्राइस के ऊपर रिस्क बहुत ही वाइड बन जा रहा है। लेकिन इस टाइप का चार्ट सेटअप को आपको प्रैक्टिस करना चाहिए लर्निंग प्रपोज के लिए, क्योंकि इस टाइप का चार्ट सेटअप बहुत ही पावरफुल होता है। ये हो गया उसका कॉप एंड ये हो गया उसका हैंडल। मैं आशा करता हूँ आप डिटेल्स एनालिसिस समझ पा रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।